गाइज अभी टाइम हो रहा है 9:23 एंड देन ये वीडियो आते आते 10 बज जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये पेपर जो भैया आप ये दिखा रहे हो, आप लोग ये पेपर देख सकते हो, ये पेपर हो गया है फुल्ली वायरल, ठीक है। इतना स्पीडली वायरल हो गया है कि अभी तक की ये सबसे ज़्यादा वायरल पेपरों में से एक है जो कि इंग्लिश का हुआ है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पेपर और इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप टेलीग्राम पर देख सकते हो ये वाला पेपर, आपको फ्रंट पेज दिखा देते हैं तो आप लोग इससे गैस कर सकते हो कि हाँ देखो ये वाला जिसमें व्हाट आर दी जोक्स ऑफ चाइल्डहुड, ये वाला पैसेज है। अब आप लोग इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो एंड पता नहीं क्यों ही, मतलब आपके हिसाब से कि आंसर्स क्यों ही मांग रहे हो उसके, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि यार यही क्वेश्चन आपका है, आप सभी को पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग पेपर आना है, वो बात अलग है कि सबके यहाँ कॉमन क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सब से मतलब नहीं रखना है, अपन जाएंगे डायरेक्ट कहाँ पर, इन सब से भी मतलब नहीं रखना है अपन को, है देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, राइट अ लेटर, अपन ने यहाँ पर क्या चीज़ देखना है कि ये चीज़, राइट अ लेटर टू अक्स फ्रेंड की कॉन्ग्रेट्स, क्या लिखा है यार पता है इस बार के पेपर में, आप लोग ये चीज़ देखिए कि कितनी ज़्यादा मिस प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। पता नहीं यहाँ पर लेटिंग बर और हन ब्रिलियंट पार्ट्स ऑफ सक्सेस ऑफ पी इन द पी ई टी एग्ज़ाम, आई थिंक इधर हाँ पी ई टी होगा या टैट एग्ज़ाम होगा, एग्जाम्स यू आर मनोज, ठीक है। कि मतलब जो आपका फ्रेंड है, ठीक है, जो अशोक है, उसको कॉन्ग्रेट्स करना है कि उसने सक्सेस जो पी ई टी एग्ज़ाम है, पैट का या टैट भी हो सकता है, टैट एग्ज़ाम है, उसमें उसने मतलब उसका क्लैरिफाई हो गया है, क्लियर हो गया है वो एग्ज़ाम, तो उसके लिए उसे कॉन्ग्रेट्स का एक सिंप्लीफाइड लेटर लिखना है। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता चलता है, इस चीज़ का अपन लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे एंड हमें प्रैक्टिस है भी कि स्टार्टिंग कैसा है, फॉर्मेट कैसा लिखना है, नीचे कैसा लिखना है, बीच में स्टोरी अपन को खुद बना देना है कि मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत किया करते थे जब तुम मेरे साथ स्कूल में बचपन में पढ़ा करते थे, तो तुम पढ़ाई को लेकर बहुत सिंसियर रहा करते थे, और भी लिख देना कि मुझे पता है कि तुमने इस टाइम पर जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे तो तुमने ये पार्टी वगैरह सब चीज़ अवॉइड की है ना, इस वजह से तुम्हें सक्सेस मिली। तो ये चीज़ें आप बीच में स्टोरी लिख सकते हो, बाकी जो मेन नंबर हैं वो आपके ऊपर का जो आप एड्रेस लिखोगे, ऊपर जो सैल्यूटेशन लिखोगे कि डियर ऐसे अशोक है ना, कि और फिर उसके नीचे योर सिंसियरली, ठीक है, ओबीडियंटली, क्या किस चीज़ को लगाया जाता है, वो सब चीज़, ठीक है। और एक और चीज़ अपन को देखने मिल रही है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इन सभी के आंसर्स को आप लोग घबराओ नहीं, आपको आंसर्स भी बता देंगे, ठीक है। क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। अब इनके अंदर जो ये पॉइंट आ रहे हैं, ऐसे कुछ करना है आपको, ठीक है। इन 5 पॉइंट को अपन को रखना है एंड ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी लिखते जा रहे हो, ठीक है। जैसे आप इस 4th वाला पॉइंट भी बन जाएगा क्या लिखना है, एंड 5th वाला पॉइंट भी बन जाएगा डेवलप इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। लेकिन मेन बात आती है कि इसमें क्या लिखे, नेसेसरी फॉर लाइफ एंड रिमूव मोनोटॉमी। इनका हिंदी मीनिंग भी तो पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर नेसेसरी फॉर लाइफ, इसका भी एक पॉइंट बन सकता है कि ये हमारी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंस है ना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड बेसिक सा पॉइंट है, आप लिख सकते हो। रिमूव मोनोटॉमी, मोनोटॉमी के गाइस बहुत सारे अर्थ निकालते हैं, जैसे इसका नीरसता निकलता है, ठीक है, क्यूब भी निकलता है जो आप पता होगा क्यूब है ना, उकताहट भी निकलता है ना, और एकर्षता भी निकलता है। अगर जब एंटोनियम सिनोनियम पढ़ोगे ना तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ में आप खेल से रिलेटेड एकर्षता को अपन लोग प्रदर्शित कर सकते हैं ना, ओके चलो। उसके बाद मेक योर बॉडी हेल्दी, अगर आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में रुचि रखते हो, अगर खेलते हो तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ठीक है। लर्निंग गुड हैबिट्स, आप गुड हैबिट्स सीखते हो, ठीक है, गुड हैबिट्स जैसे डिसिप्लिन वगैरह है ना, गेम्स में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेवलप इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है, मतलब कि जो गेम्स खेलते हो ना तो आपके अंदर एकता आ जाती है, मतलब जैसे आप खेलते हो ना टीम के लिए खेलते हो तो उसमें ब्रदरहुड आ जाता है, ठीक है, ओके चलो। अब इसके बाद अपन लोग यहाँ से अपन को ये चीज़ पता चल गई कि अपना कैसे आने वाला है ये शॉर्ट नोट, कि इस पॉइंट्स में आने वाला है एंड देन पॉइंट्स में अपन को 100 वर्ड्स का लिखना है, क्या यानी कि एक ऐसे बराबर है ना। अब इसके बाद ये भी हो गया अपना, उसके बाद हमें क्या देख लेना है कि क्वेश्चन नंबर 10 आ गया ये तो, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि
कि योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड अनदर सिटी, हाउस होल्ड गुड्स डिजाइन सूटेबल एडवर्टाइजमेंट। आपको याद है अपन लोगों ने फर्स्ट वीडियो बनाया था ये वाला, बिल्कुल फर्स्ट वाला एडवर्टाइजमेंट यही पढ़ा था कि अपने पापा का ट्रांसफर अनदर सिटी में हो गया, यू वॉन्ट टू सेल सर्टेन हाउस, अपना पूरा घर बेचना चाहते हो, मतलब उसमें जो हाउस होल्ड है, डिजाइन सूटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर के लिए आप छपवाना चाहते हो, ठीक है। ये चीज़ अपन ने पहले किया था, अगर आप लोग वो वीडियो अभी भी देखना चाहो तो डला हुआ है वीडियो, देख लेना, ठीक है। एंड प्रिपेयर अ पोस्टर टू अ पब्लिक अवॉइड प्लास्टिक, की जो अपन को एक पोस्टर बनाना है कि जो पब्लिक है वो प्लास्टिक को अवॉइड करे, ठीक है, उसको अवॉइड करे यानी कि ना ले, ठीक है, उसका कम से कम यूज़ करे। ओके, राइट अ लेटर टू पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, ठीक है, मतलब आपको एक लेटर लिखना है टू दी पोस्ट मास्टर को कि कंप्लेनिंग किसके लिए, अगेंस्ट दी पोस्टमैन की, अपने पोस्टमैन के जो आपका एरिया का पोस्टमैन है उसके अगेंस्ट आपको कंप्लेन लिखनी है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी कह सकते हो कि हमारा जो पार्सल है ये टाइम से नहीं ला पाते, एंड देन नहीं लाते, ऑफिस ही में रखा रहता है, देन काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, तो वो लिख सकते हो। बहुत ईजी आने वाला है यार इंग्लिश का पेपर, डरना नहीं है, बस स्पीड बनाए रखना, ठीक है, मिस्टेक से नहीं डरना है कि एक नंबर कटेगा, लिखते रहना है। ओके, अर्धवार्षिक ये हो जाने दो यार, ठीक है, अर्धवार्षिक हो जाने दो, क्योंकि इस टाइम पर आप, और गाइज अर्धवार्षिक एक सीख है कि आपसे पेपर नहीं बन रहा है, तो अर्धवार्षिक इज़ द बेस्ट पॉइंट कि अब आप पढ़ना शुरू कर दो, है ना, अब आप समझ जाना कि अर्धवार्षिक में जैसा पढ़ रहे हो वैसे ही वार्षिक में स्ट्रेटजी के साथ अगर आप लोग पढ़ोगे तो सोचो जब एक एक रात में आप पूरा सिलेबस, मतलब इतना होल सिलेबस एक रात में, एक रात भी कहाँ यार, 8 से 10 घंटे में पूरा सिलेबस पढ़ डालते हो, फिर सोचो आपके पास तो मतलब 1-1.5 महीना रहने वाला है, क्या ही कर लोगे आप, है ना। चलो उसके बाद मेन आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर गाइज, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं अपन। ओके, ये तो यहाँ आ जाते हैं अपन, क्वेश्चन आंसर इस वाली लाइन में, आई थिंक ये रहे पूरे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब आप बोलो कि इसके आंसर से ये, तो गाइज आंसर अगर आप लोगों ने बोला तो नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे आंसर ले आएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलो तो आंसर ले आएंगे पूरे, आप लोग खुद से भी देख सकते हो, प्रश्न बैंक में आपको मिल जाएंगे, अगर आप सभी बोलो तो इस पूरे के आंसर ला रहे हैं गाइज, जल्दी से कमेंट करो, पूरे के आंसर आ जाएंगे एक वीडियो में, है ना, एक वीडियो में पूरे के आंसर आ जाएंगे, बस एक कमेंट करना है आपको, ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पेपर रियल हो फेक है डजंट मैटर यार, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ अगर आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, पहले तो मैं क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये हैं, एंड देन अगर आंसर नहीं मिल रहे, देखो यहाँ से आप लोगों को ये देख लेना है 10th वाला क्वेश्चन, ओके, देन एक और है, लो यहाँ पर अपने पूरे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, ठीक है, एंड इसके बाद अब नहीं है पीडीएफ और कोई फोटोज़ नहीं है गाइज, लिटरली जल्दी से कमेंट करो कि आंसर चाहिए या नहीं,